भोले के शहर बनारस में गंगा उफान पर है। गंगा में बाढ़ के कारण घाट और मंदिर डूब गए हैं। बढ़ते जल स्तर का सीधा असर अब आम जनजीवन के साथ ही वाराणसी में होने वाले पूजा अनुष्ठान पर भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ के कारण वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाला विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान और स्वरूप अब दोनों बदल गया है। पुलिस के एक आदेश के बाद गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली नित्य संध्या गंगा आरती सांकेतिक स्वरूप में हो रही है। यही नहीं, भक्तों को भी इससे दूर रखा गया है, जिसके कारण छत पर बाकायदा पर्दा लगाकर एक अर्चक द्वारा आरती की जा रही है। बाढ़ के कारण बढ़ते जल स्तर और घाटों पर उमड़ते भीड़ को देखते हुए कोई हादसा ना हो, इसके लिए पुलिस ने ये कदम उठाया है। आज की आरती जो है प्रशासन से वार्ता हुई, होने के साथ साथ जो हम लोगों का समय श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में पर्यटक और दर्शनार्थी इस समय बाहर से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो आरती का स्वरूप घाट से नीचे ऊपर संस्था के छत पे हो रही है और इसमें नाव पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, जिससे कि प्रशासन के विशेष अनुरोध पर इस आरती को, इसके स्वरूप को छोटा किया गया है और उनका ये निवेदन था कि कम ये सावन भर जो इस समय कांवड़िए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और दर्शनार्थी भी बाहर से आ रहे हैं, जब से विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है उसकी वजह से इस माह में अत्यंत भीड़ हो रही है, तो इसको देखते हुए आरती की वजह से भी जो इस समय नावों पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, तो किसी भी अप्रिय घटना को का किसी तरीके का कोई अंदेशा न हो। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि प्रशासन से वार्ता के बाद सुरक्षा के मद्देनजर समिति ने गंगा आरती को एक अर्चक द्वारा सांकेतिक रूप में कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा स्थान भी घाटों की सीढ़ियों के बजाय छत को बनाया गया है, जिससे परंपरा भी बनी रहे और सावन में होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से कोई हादसा भी ना हो। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जल स्तर 66 मीटर के करीब है, जो चेतावनी बिंदु से करीब 4.25 मीटर दूर है। बताते चले कि वाराणसी में जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण पहले ही वाराणसी के घाट जलमग्न हो चुके हैं और अब आरती भी सांकेतिक रूप में कराई जा रही है।